ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुःवन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम आज पढ़ रहे हैं भागवत के चौथा स्कंद के 24वां अध्याय श्लोक क्रमांक 2। दो लिखा उधर हर्यक्षाया दिशत प्राचीम धूम्रकेशाय दक्षिणाम प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः। हर्यक्षाय दिशत प्राचीम धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभुः। धूम्रकेशाय दक्षिणाम् प्रतिचेम धूम्रकेशाय दक्षिणाम् प्रतिचेम वृक्षस्य।
वैष्णवीस हरियक्षाय दिशत्प्राचीन धूम्रकेशाय दक्षिणाम् हरियक्षाय हरियक्ष को आदिशत अदिशत अदिशत प्रदान किया प्राचीन पूर्व दिशा धूम्रकेशाय धूम्रकेश को दक्षिणाम दक्षिण दिशा प्रतीचि पश्चिम दिशा बृहसंज्ञाय बृक नाम भाई को तुर्याम उत्तर दिशा द्रविण से द्रविण को विभु स्वामी। इधर सिर्फ अनुवाद है, इधर तात्पर्य नहीं, तो इसको अनुवाद को बोलकर और एक श्लोक पढ़ लेंगे। महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हरियक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक को तथा उत्तरी भाग द्रविण को प्रदान किया। तीसरा श्लोक है, अंतर्दान गतिम शक्रान लब्ध्वार लब्ध्वान्तर्दान संहितः अपत्यत्र यमाधत्त शिखंडिन्याम सुसम्मतम। पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्दान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी शिखंडिनी था, जिससे उन्हें तीन उत्तम पुत्र हुए। कृष्ण कवापूर्ति श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की, महाराज विजिताश्व अंतर्दान नाम से विख्यात थे, जिसका अर्थ होता है विप्लुत होना। यह पदवी उन्हें इंद्र से प्राप्त हुई थी। यह उस समय की बात है जब इंद्र ने महाराज पृथु के घोड़े को यज्ञस्थल से चुरा लिया था। जब वह घोड़ा चुरा रहा था तो औरों के लिए तो वह अदृश्य था, किंतु महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व ने उसे देख लिया था। यह जानते हुए कि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा है, विजिताश्व ने उस पर आक्रमण नहीं किया। इससे पता चलता है कि महाराज विजिताश्व सही व्यक्तियों का सम्मान करते थे। यद्यपि इंद्र उसके पिता का घोड़ा चुराए ले जा रहा था, किंतु विजिताश्व को ज्ञात था कि इंद्र कोई सामान्य चोर नहीं है। क्योंकि इंद्र एक महान शक्तिशाली देवता था और भगवान का सेवक था, अतः विजिताश्व ने जानबूझकर उसे क्षमा कर दिया था, यद्यपि इंद्र गलत कार्य कर रहा था। इससे इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न हुआ। देवताओं में इच्छानुसार प्रकट होने तथा छिपने की योग शक्ति पाई जाती है, और चूंकि इंद्र विजिताश्व पर परम प्रसन्न था, अतः उसने उसे यह योग शक्ति प्रदान की। इस प्रकार विजिताश्व अंतर्दान कहलाया। तो संक्षिप्त में इधर क्या बोला जा रहा है, इंद्र घोड़े को उठाकर प्रस्थान होकर उधर से भाग रहा था, साधारण जनता देख नहीं पाए, लेकिन कौन देखा उसको, विजिताश्व देखा। तो विजिता अश्व का मतलब क्या है, अश्व को जीत करके वापस लौटा कर लेके आया, इसलिए उसका नाम पड़ा विजिताश्व। तो विजिताश्व ने जब देखा कि इंद्र घोड़ा उठा कर लेके जा रहा है, तुरंत उसके ऊपर तो आक्रमण करना ही था उसको, लेकिन देखा कि ये तो इंद्र है, साधारण मनुष्य तो नहीं है, ये तो देवता है, भगवान विष्णु के एक प्रतिनिधि है, इसलिए मुझे उनको अटैक नहीं करना चाहिए, आक्रमण नहीं करना चाहिए करके उनको छोड़ दिया। तो जब इंद्र मुड़कर देखा कि ये विजिताश्व मुझे
आक्रमण नहीं कर रहा है तो लगता है कि मेरा मित्र जैसा है, इसलिए उनसे प्रसन्न हुआ वो। प्रसन्न होकर उनको एक वरदान दिया कि तुमको भी अंतर्दान का शक्ति प्राप्त हो। अंतर्दान का मतलब है एक स्थान में अप्रकट होकर दूसरे स्थान में प्रकट होना, नहीं तो एक स्थान में आप उपस्थित होते समय भी कोई आपको देख नहीं पाएंगे, ऐसे शक्ति। जैसे अगर आपको सीक्रेटली अंदर जाकर गुलाब जामुन चोरी करना हो, आप चोरी करेंगे कोई नहीं देखेगा कौन महाप्रसाद रूम में गया है। तो इस तरह उनको क्या प्राप्त हुआ, वरदान प्राप्त हुआ, किसको? विजिताशु को। उसका नाम पड़ा अंतर्दान, उसके बाद उसका नाम पड़ गया। ऐसे ऐसे बताया गया है इधर इस तात्पर्य में। तो आज हम पढ़ रहे हैं नया अध्याय शुरू हो रहा है इधर, शिवजी द्वारा की गई स्तुति, स्तुति का गान। यह अध्याय धीरे धीरे रुद्र गीत वगैरह शुरू होगा है, लेकिन अभी अभी भी ये बात चल रहा है कि पृथु महाराज के बेटा विजिताश्व, अभी उसको उन्होंने राजा बनाया। उसके बाद उसने क्या किया, अपने राज्य को पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर ऐसे अलग अलग अपने भाइयों को दे दिया, अलग अलग दिशा में, दिशा को अलग अलग दिशा में जाकर सारे दुनिया के ऊपर शासन करने के लिए। तो युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा ही की थी, ऐसा कोई राजा नहीं था कि वो सब सबका देख रेख उसके अंडर ही रहता था, ऐसा नहीं था। जैसे आप सुनते हैं 10 जो इनके पुत्र हुए ना, इनके पुत्र तो 100 हुए ऋषभदेव के, उनमें से सबसे वरिष्ठ कौन था? भरत था। तो भरत को उन्होंने राज्य दिया, भरत तो राजा बना, लेकिन उनके बाकी 9 भाई जो थे उनको ये सारे दुनिया के अलग अलग भाग दे दिया उसने। तुम इसको देखो, जैसे एक मंदिर में एक अध्यक्ष होता है लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, है ना, सब चीज़ वो नहीं देखता, अलग डिपार्टमेंट होता है। ऐसे इस तरह से हम विस्तारित करते हैं। उसके बाद सैटेलाइट सेंटर्स होता है, उसमें भी अलग अलग लोग उसके नेतृत्व करते हैं, कभी कभी अध्यक्ष उधर जाएंगे देखने के लिए, नहीं तो वो। इस तरह प्रभुपाद ने क्या किया, सारे दुनिया में प्रचार करके अलग अलग कॉन्टिनेंट दे दिया एक एक भक्त को, तुम पूरा कॉन्टिनेंट ले लो। उस जमाने में प्रभुपाद के समय में भारत में सिर्फ 2-3 महान उनके शिष्य थे, जैसे परम पूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य जयपतक महाराज और परम पूज्य लोकनाथ महाराज, ये 3 लोग उस समय थे प्रभुपाद के समय में जुड़े थे भारत में। तो परम पूज्य जयपतक महाराज को सारे दक्षिण भारत दिया उन्होंने और मायापुर उसको डेवलप करने के लिए दिया, परम पूज्य गोपालकृष्ण महाराज को सारे उत्तर भारत और इधर पूना भी और मुंबई भी ऐसे, तो उन्होंने दे दिया था। प्रभुपाद ने बोला कि मुझे 18 लोग चाहिए, शिष्य लोग, अगर 18 मिलेंगे सारे दुनिया को हम ले लेंगे, ऐसे बोले प्रभुपाद जी, सारे दुनिया में प्रचार हो जाएगा हमारा। तो आप पूछें 18 लोगों को लेकर कैसे प्रचार करेंगे, 18 एक एक को एक एक कॉन्टिनेंट दे देने का, ऐसे बड़ा स्थान। और जो प्रभुपाद ने किया वही काम उसको भी करना चाहिए, अगर वो करेगा, देखिए ये कितना सुंदर है वैदिक संस्कृति, अगर हर एक लीडर जो ऊपर से आता हो उसको ट्रेनिंग उसको अपना कर उसी चीज़ को उनके अंडर में जिनको रखा है उनको करता है, तो ये एकदम ये मॉडल सुंदर मॉडल है ये। तो आप देखेंगे वैदिक परिवार में एक टर्बन पहन कर एक बड़े बुड्ढा एक व्यक्ति होता था ना, उसके 4-5 बेटे होते थे, उसके 4-5 नहीं कभी कभी 8-10 भी होते थे, और उनके शादी हो जाता था, उनके बच्चे होते थे, तो बेटे लोग पिताजी से सीखते थे कि कैसे निस्वार्थ होना चाहिए, कैसे भक्ति भगवत कैंकर्य करना चाहिए, कैसे सरल जीना चाहिए, कुछ कुटीनाटी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचाना चाहिए, और नैतिकता को अपनाना चाहिए जीवन में, और कसरत करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, मेहमानों को आदर देना चाहिए, अतिथि देवो भव ऐसे, और गुरुजनों को वैष्णवों को रेगुलर मिलना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए। इस तरह वो बड़े जो बूढ़े व्यक्ति था उससे बेटे लोगों ने जो सीखा वो ही चीज़ अपने बच्चों को सिखाते थे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक गुरु 10 लोगों को सिखाते हैं और 10 लोग 10-10 को सिखाते हैं, तो कितने लोग हो गए? 100।
अभी 100 लोग और 10-10 को सिखाते हैं तो कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 लोग 10-10 को सिखाएंगे। हाँ, ऐसे ही समाज में आप देखेंगे सब लोग, और सबको फॉलो करने के लिए लाभ क्या था? वैदिक ग्रंथ। अभी आप पूछेंगे कि अगर सब लोग मनमानी करके कुछ मनोधर्म के अनुसार बोलेंगे तो क्या होगा? नहीं बोल सकते थे, क्योंकि सबको किताब फॉलो करना था, हम उसको फॉलो करते थे। तो इस तरह सारे दुनिया में शासन चलता था एक राजा का, ऐसे उस जमाने में। तो एक ही देश था सारे भूमि का, उसका एक राजा था, पृथु महाराज ऐसे राजा था। उनके बाद ये विजिताश्व राजा बना। तो अभी इधर एक महत्वपूर्ण बात चल रहा है कि आगे भी जाकर 2-3 श्लोक में प्रभुपाद जी बोलने वाले हैं कि इंद्र ने जब घोड़े को चोरी किया, ये क्या सही काम है गलत काम है? क्या शंका हो रहा है क्या बोलने के लिए? काम तो गलत काम ही है, चोरी नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों का टोन थोड़ा आवाज कम हो रहा है क्योंकि इंद्र लगे हैं उसमें। तो कभी कभी अगर कोई इधर, प्रभुपाद जी बताते हैं इधर भी आगे भी बताएंगे कि इंद्र जो है चोरी करने में, कभी डकैती करने में, कभी किडनैप को क्या बोलते हैं, किडनैप करना, अपहरण, अपहरण करने में कुछ किसी को, इसमें बड़े एक्सपर्ट था, ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये सब किया है उसने। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्योंकि वो देवता है, क्योंकि वो सब देवताओं का राजा है, और क्योंकि वो भगवान विष्णु का भक्त है, इसलिए अगर कभी कभी ऐसे गलती हो जाता है, भगवान के भक्त तो जानबूझकर गलती नहीं करते, लेकिन पूर्व आदतों के कारण कभी कुछ गलती हो जाता है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए करके विजिताश्व ने सोचकर उनको माफ़ किया। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कहानी बोलते हैं कि एक व्यक्ति था, वो अनेक भक्तों के साथ वो यात्रा में गया, वो यात्रा में देखा कि रात को सब भक्त लोग सो रहे थे, उसको आदत था चोरी करने की पहले, तो एक का बैग लेकर खोलने के लिए इच्छा की, लेकिन खोला नहीं उसको, क्योंकि लगा कि अभी तिलक पाना हो, कट्टी माला पाना हो, चोरी नहीं करना चाहिए। तो वो बैग को इधर से लेकर इधर रख दिया, इधर से एक लिया उधर रख दिया। सुबह सब भक्त लोग उठे, भारत में तो सब लोग जब ट्रेन में जाते हैं बैग को अपने सर के नीचे रखते हैं, देखा आपने, ऐसे ही सो जाते हैं, कोई उठाएगा तो ये भी उठ जाएंगे, है ना, लोग जानते हैं। लेकिन उस यात्रा में भक्त लोग लगता है कि बैग अलग रख दिया, ऐसे हाथ लगकर सो लिया लोगों ने। तो सुबह सब भक्त लोग अपने 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 बैग ढूंढ रहे थे, चिल्ला रहे थे, अरे मेरा बैग किसने उठाया, लेकिन सबका बैग मिल गया। लेकिन ये भक्त ने सबको दंडवत प्रणाम किया, बोला कि आप लोग माफ़ कर दीजिए, मेरे हाथ से ऐसे हो गया, पहले मैं चोर था, प्रोफेशनल चोर था पहले, लेकिन अभी चोरी करना छोड़ दिया, फिर भी वो आदत नहीं छूटा, इसलिए इधर से उठाकर उधर से उठाकर उन्होंने किया है, सब सामान एकदम सुरक्षित है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ चोरी नहीं किया मैंने, ऐसे बोला उसने। तो भक्त लोगों ने क्या कर दिया, उसको माफ़ कर दिया कि नहीं? कर दिया, क्योंकि चोरी नहीं किया ना उसने। तो इस तरह हम लोग कभी देख सकते हैं कुछ आदत के कारण कुछ व्यवहार बार बार आता है। जैसे एक भक्त का आदत था दूसरे लोगों को कुछ गाली देना, पहले भौतिक जीवन में वो पहले गुंडा था बोला पहले, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे वो भक्त बना, जैसे जगह मदद भी भक्त बन गया ना, ऐसे ही ये भी भक्त बन गया, लेकिन उसके बाद मारा मारे करना ये सब छोड़ दिया उसने, उसके बाद तिलक पाना, घंटी माला पाना, सज्जन बन गया। फिर भी अगर भक्तों के बीच में कोई कुछ बोलता था, उसको निंदा करता था, तो उसके पूर्व जो आदतें थी वो वापस लौट देते वो, तो ये किसी को भी बोलता था, भैंस बोलता था, गधा बोलता था, ऐसे है। तो भक्त लोगों ने शिकायत किया जाकर, है कि क्या भैंस बोल रहा है, गधा बोल रहा है, भक्त लोग कैसे ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे शब्द हैं, ऐसे हाथ उठा जाता ऐसे है। तो इसको देखकर उसको मैनेजर लोग दंड देते थे उसको कुछ है। लेकिन वो तुरंत वो पछता था वो भक्तों को जाकर दंडवत प्रणाम करके माफ़ी मांगता था, हाँ आपको ऐसे बुरा भला बोल दिया आपके बारे में, माफ़ कर दीजिए, हमारे पूरे पहले आदत थे 10 साल पहले, अभी वापस आ रहा है वो आदत। तो इसलिए हम लोग जब सत्वगुणी होते समय, कभी कभी सत्वगुणी लोग भी रजोगुणी तमोगुणी हो जाते हैं कभी कभी, जैसे सत्वगुण का 2 गुण है, सुखम और ज्ञानम,
और रजोगुण में संग और तृष्णा। संग का मतलब है जो मैथुन जीवन की ओर आकर्षण, वो संग है। और तृष्णा का मतलब है मान सम्मान यश पदवी इत्यादि की ओर आकर्षण। तो रजोगुण में यह सब होता है। और तमोगुण में निद्रा आलस्य प्रमाद, ज़्यादा सोना, ज़्यादा आलसी करना, शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना और नशा लेकर मोहित हो जाना, ऐसे है इस तरह। तो ये सब गुण बताते हैं भगवान। ये भी बताते हैं कि सुखम ज्ञानम जो है सत्वगुण में है, सत्वगुणी लोग सुखी रहते हैं और ज्ञान भी मजबूत होता है उनका। लेकिन कभी कभी ज्ञान होने के कारण गर्वित हो सकते हैं। तो गर्व किस गुण में है? रजोगुणी में है। रजोगुण गर्व, गर्व रजोगुण में है। और क्योंकि उनको सुख प्राप्त होता है, इसके कारण कभी कभी ठंडे पड़ जाते हैं अपने धार्मिक जीवन में। इसके कारण वो ठंडा पड़ जाना क्या है, वो आलसी हो जाते हैं भक्तिमय जीवन में। तो वो क्या है? तमोगुण। इस तरह सत्वगुणी व्यक्ति भी कभी कभी रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियां उसके अंदर भी उठ सकते हैं कभी कभी। इसलिए देवता लोग तो सत्वगुणी होते हैं, इंद्र भी सत्वगुणी है, लेकिन कभी कभी ऐसे सत्वगुणी लोगों में भी ये स्पर्धा की भावना आने की संभावना है। क्योंकि इस दुनिया में सत्वगुण भी 100% शुद्ध नहीं है, लेकिन भक्तिमय जीवन में जो आगे एकदम अग्रसर होकर बढ़ चुका है वो शुद्ध सत्व पर आ जाता है, सो सत्वगुण से भी ऊपर है। विशुद्ध सत्व में इस तरह के किसी भी तरह का दूषण नहीं है उसमें, वो एकदम पवित्र है। जैसे 24 कैरेट गोल्ड, देखिए 24 कैरेट गोल्ड होता है, शायद आपको मालूम नहीं होगा, 24 कैरेट सोने में किसी भी तरह का ऑर्नामेंट नहीं बना सकते हो। मालूम है आपको? कितने लोगों को मालूम है? इसका मतलब क्या है? जो आत्मा एकदम पवित्र हो गया है उसको अभी भगवत धाम लौटना है बस। ये दुनिया में कुछ बिहारी की श्री गौर ने कहा कि तो ऐसे लोग इस दुनिया के जीवों को कंट्रोल नहीं करेंगे, वो इस दुनिया में स्वामित्व तो नहीं जमाएंगे, भोग नहीं करेंगे। जो 24 कैरेट गोल्ड है एकदम मुलायम होता है, उसमें आर्नमेंट नहीं बनता। अगर आर्नमेंट बनाना हो तो थोड़ा अलाई अलाई करते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं। इस तरह देवता लोग वो लोग होते हैं जो सत्वगुणी प्रवृत्ति वाले हैं। ओम तत् विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, बोला गया है। सब देवता विष्णु के श्री चरणों की ओर भागते हैं जब कोई तकलीफ होता है उनको, लेकिन उनमें रजोगुण का मिश्रण आ जाता है। कब? शासन करना है तो। 33 कोटि देवता जो जो लोग शासन कर रहे हैं दुनिया में, शासन करने के लिए थोड़ा बहुत रजोगुण की जरूरत है। लेकिन शासन करते समय एक व्यक्ति के अंदर शासन करने के साथ साथ सत्वगुण की प्रवृत्ति भी होना चाहिए। इसको बोलते हैं राजा ऋषि। राजा का मतलब है रजोगुण, ऋषि का मतलब है सत्वगुण। तो राजा ऋषि में दोनों गुण होता है। कैसे? राजा के पास रजोगुण होता है, लेकिन ऋषि लोग उसको उपदेश देकर उसके रजोगुण को ठंडा करते हैं, थोड़ा शांत करते हैं। उसके कारण राजा के अंदर अच्छे गुण दिखाई देते हैं। इसलिए जो राजा, देखिए उदाहरण के लिए ये जो राजा रहुगणा जा रहा था एक पालकी में बैठकर कपिलाश्रम की ओर, एक भगवान की कथा सुनने के लिए, साधु महात्माओं के संग करने के लिए जा रहा था। लेकिन जाते जाते देखा कि जड़वरत जब उठाया पालकी, ठीक तरह से चल नहीं रहा था, ऐसे सर्प जैसे चलता, ऐसे ऐसे चल रहा था वो, क्योंकि सड़क में कुछ चींटियों को देखा उन्होंने, उनके ऊपर पाँव नहीं रखना चाहिए, इसलिए ऐसे ऐसे चला हुआ। उसको देखकर ये बहुत क्रोधित हो गया, चिल्लाने लगा, अरे अरे तुम क्या पतले हो क्या, उठा नहीं पाते हो तुम पालकी, ठीक तरह से चलो, ऐसे चलाया। तो बाकी नौकर जो थे 3 लोग, वो लोग ने हाथ जोड़कर बोला, हे राजन हमारी कुछ गलती नहीं है, ये मोटा वाला जो आया है अभी अट्टा कट्टा उसका गलती है, बोले वो लोग डर गए कि हमारे सर नहीं कट जाना चाहिए। तो उसके बाद राजा देखा कि ये मोटा व्यक्ति ठीक तरह से नहीं लेके जा रहा है, देखिए उसको वेतन नहीं दिया है कुछ, ऐसे ही वो घूम रहे थे, जड़बर्त उनको पकड़ कर लगाया काम में। गलती किसका था? रघुगुण और उसके सेवकों का था। वो बाकी लोग तो सेवक थे, वेतन मिलता था महीने में उनको, लेकिन जड़बर्त को पकड़ कर लगाया काम में ऐसे।
अभी उसने चिल्लाया उसके ऊपर, वो लंबा लीला है, लेकिन बोलने का मतलब क्या है, जा रहा है कथा सुनने के लिए, लेकिन रजोगुण की प्रवृत्ति आ गया बीच में। वो देखा कि देखिए उठा रहे हैं जड़ भरत पालकी, उनको ज़्यादा तकलीफ होगा, नहीं तो थोड़ा हिलने से ज़्यादा तकलीफ होगा, बताइए किसको ज़्यादा तकलीफ होगा, उठाने वाले को है, लेकिन इसको लग रहा है कि उससे भी ज़्यादा तकलीफ मुझे है, क्योंकि इरिटेशन होता है जब अहंकार अगर किसी को नचाता है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए क्रोधित हो जाता है व्यक्ति, है वो क्रोधित होकर उसको चिल्लाया, अरे मूर्ख, जिस तरह यमराज दंड देता है यमलोक में अनेक जीवों को, इस तरह मैं तुमको दंड देकर तुमको सुधारूंगा, ऐसे बोला उसने, उसको चिल्लाया, तुमको मालूम नहीं क्या कि मैं राजा हूँ, सब लोग मेरे प्रजा हैं, मेरे सेवक हैं, ऐसे चिल्लाया उसने। तो उसके बाद जड़ भरत ने उनको आत्मा आत्मा शरीर के बारे में फ़र्क जब बताया, तभी जान गया है, तत्क्षण वो उतर गया, वो पालकी से नीचे उनका पाँव पकड़ा, बोला कि माफ़ कर दीजिए, वैष्णव अपराध नहीं हो जाना चाहिए, ब्रह्म कुले अवमानात्न हो जाना चाहिए करके माफ़ी मांगे, क्योंकि बुद्धिमान था वो। इसका मतलब इस दुनिया में बुद्धिमान भी कभी कभी कुपित हो जाते हैं, इस तरह के काम क्रोध लोभ के वश में आ जाते हैं ऐसे। उसके बाद बहुत लंबे चौड़ा कथा बढ़ता है कि कैसे उन्होंने उपदेश दिया उनको, लेकिन इनकी इच्छा थी जड़ भरत की कि इसको सदुपदेश देने से राजा अच्छा राजा है, लेकिन अभी कुछ क्षणों के लिए थोड़ा गर्व चढ़ गया इसके सर के ऊपर, जैसे भूत चढ़ जाता है, कुछ एग्जॉर्सिस्ट को बुलाकर भूत को निकाल तो निकल जाता है ना, इस तरह हम लोगों को भी कभी काम क्रोध लोभ का भूत सवार हो जाता है। उस समय जो इंसान बातचीत करता है, चलता फिरता है, उसका अलग ही तरीका होता है, हम देख सकते हैं इस दुनिया में कुछ समय के लिए पागल जैसे बन जाता है, अपने कंट्रोल में नहीं है, वो कंट्रोल छूट जाता है उसका। तो इस दुनिया में साधारण जन के अंदर तो काम क्रोध लोभ का इफेक्ट जो है, उसका परिणाम जो है दुनिया में, सारे दुनिया में हम देख सकते हैं, लेकिन अगर भक्तों के बीच में इस तरह का प्रवृत्तियाँ देखा जाए, जैसे एक बार कुछ लोग प्रभुपाद जी के पास जाकर बोले कि प्रभुपाद जी आपने वो जो मैनेजर बनाया है इतना तंग करता है, वो चिल्लाता है, डांटता है, ये लोगों के पीछे इतना पड़ता है, लोग डर जाते हैं उनसे, पीछे पड़ता है, किसी को मंदिर में थोड़ा लेट ना नहीं देता, उठा उठा कर भेज देता है, बाहर जाओ, किताब वितरण करो, हरिनाम करो, आराम मत करो, खाओ पियो सो मत, उठ जाओ, सबको भगाता है, अगर कोई भागता नहीं तो चिल्लाता है, डांटता है, ऐसे बोले। तो प्रभा ने बोला देखो ये क्रोध करता है लेकिन काम भी बहुत करता है, खुद भी करता है, दूसरों को भी कराता है। तब प्रभा जी उदाहरण दिए, उन्होंने बोला कि देखो गाय से अगर दूध मिलना हो तुमको, थोड़ा लात को भी सहन करना होता है, बीच बीच में लात देती रहती है, देखा आपने, अगर कोई बोलेगा ये गाय लात दे रही है काट दो इसको, तो दूध भी नहीं मिलेगा, है ना, ऐसे बोले। तो आप लोग देखेंगे इस दुनिया में लोगों से दोनों चीज़, अच्छाई भी मिलता है, थोड़ा बुराई भी मिलता है। कभी कभी पति बोलता है अपने ऑफिस में आकर, मेरी पत्नी बीवी कितना तंग करती है, चिल्लाती है, घर में जाऊंगा तो बड़ा कुरुक्षेत्र मच जाता है घर में, लेकिन उसको छोड़ भी नहीं पाता है, क्योंकि जब पत्नी की खूबसूरती देखता है मोहित भी हो जाता है। इस तरह ये संसार का मतलब यही है, संसार का मतलब क्या है, आप छोड़ भी नहीं पाएंगे और साथ में रहने में भी तकलीफ, इसको संसार बोलते हैं। जैसे कभी कभी अगर आप बैठ कर कमरे में कुछ पढ़ रहे हैं तो नाक से कुछ थोड़ा बाहर आएगा, कुड़ 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 ऐसा आएगा इधर तक, आपको डर होगा कि मुँह के अंदर ना चले जाए, हैं करते हैं, और बाद में आप पढ़ते हैं कुड़ 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 आता है वापस, आपको लगेगा कि अरे जाओ वॉश बेसिन में जाकर निकाल दो उसको, वॉश में जाकर हाँ ऐसे करके आवाज़ कीजिए, कुछ नहीं निकलता है, आपको आश्चर्य होता है कुछ नहीं निकलता है, लगता है कि गया अभी, अभी आकर किताब देख रही है, कुड़ 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 वापस आएगा, समझे ना आपने, अंदर भी जाता नहीं बाहर भी आता नहीं, ये संसार भी ऐसा ही है ना, संसार में आप छोड़ भी नहीं पाएंगे, छोड़ने से भी तकलीफ और साथ में रहने से भी तकलीफ। कोई बोलते हैं ना पिताजी कभी बेटे को डांटते हैं, जब बेटा का 13-14 साल हो गया ना, बेटा थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है, पिताजी चिल्लाता है,
अरे बेटा तुम बदमाश हो, कुछ काम का नहीं हो, निकल जाओ घर से, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना है। और देखते हैं कि रात को अभी बेटा नहीं दिख रहा है, बीबी को पूछेगा किधर गया बेटा, आपने बोला ना चेहरा नहीं देखना है, वो गया अभी। अरे फ़ोन करके पूछो, बीबी बोले फ़ोन नहीं उठा रहा है, अभी तक चिंता हो जाता है, इसको उसको फ़ोन करते हैं, क्योंकि छोड़ भी नहीं पाते हैं, साथ में रहने से भी तकलीफ है, ये समस्या है। आप देखेंगे कभी कभी एक मंदिर में एक ऐसे माता जी थी, ये माता जी इतना सेवा करती थी, 10 लोगों का सेवा करती थी, लेकिन 10 लोगों के ऊपर चिल्लाती थी, 10 लोग भाग जाते थे, लेकिन उनकी सेवा ये करती थी, अकेली करती थी वो। लेकिन समस्या क्या है, कोई मंदिर आने से कोई भी आता था मंदिर, सबको चिल्लाहट मिलता था उनसे। तो वो अध्यक्ष ने बोला मुझे, प्रभु जी काम भी करती है लेकिन चिल्लाती भी है, क्या किया जाए, इसके मुख में प्लास्टर लगा देने का और शांति से सेवा करो। मैंने बोला प्लास्टर लगा कर देखो क्या होता है। वो बोला नहीं नहीं प्रभु जी जोक मार रहा था मैं, प्लास्टर कौन लगा पाएगा, भगवान ही लगाना पड़ेगा भगवान को, ऐसे बोला है ना। तो इस तरह आप देखेंगे कि कुछ लोगों से अच्छा भी मिलता है हमको, बुरा भी मिलता है। इंद्र भी ऐसा ही है, देखिए इंद्र जो है भगवान का ही प्रतिनिधि है, किसने चुना है उनको सब देवताओं के राजा बनाने के लिए, विष्णु ने ही चुना है। तो उसने और साथ साथ उसने 100 यज्ञ किया है भगवान विष्णु की खुशी के लिए। अगर कभी भी तकलीफ हो भगवान विष्णु की पदकमल की ओर भागेगा वो, सब देवताओं को साथ में लेकर। और एक बार भगवान ने सब देवताओं को बोला कि आप अभी कमज़ोर पड़ गए हो आप लोग, और असुर लोग अपने गुरु शुक्राचार्य को खुश करके वो लोग शक्तिशाली बन गए हैं, इसलिए अभी आपको अमृत चाहिए तो असुरों के साथ जुड़कर आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा, ऐसे बोले। तो इंद्र को बोले भगवान, चाहो इंद्र असुरों को जाकर मिलो, असुरों के नेता बलि उनको जाकर मिलो। तो आप ज़रा सोचिए, अगर आपके गुरु महाराज आपको बोलते हैं ये कोई भक्त किसी के साथ आपका दुश्मनी है, उनके पास जाओ उनके साथ जुड़कर काम करो बोलते हैं, कितने लोगों को थोड़ा तकलीफ होगा आपको, करेक्ट है ना। आप बोलेंगे गुरु महाराज जी किसी और का नाम लीजिए, उसका नाम मत लीजिए, वो एक व्यक्ति उसका चेहरा भी हम देखना नहीं चाहते, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, है ना। लेकिन इंद्र ने मान लिया, तब असुरों को मिलने के लिए गया इंद्र, तो दूर से ही देख कर बलि महाराज तो बैठा था, लेकिन बलि महाराज के निकट और उसके मिनिस्टर लोग थे, देखा कि इंद्र आ रहा है, हाथ दिखकर बोला कि आ गया बदमाश इंद्र आ रहा है, वाह करके वो अपने अपने आयुध उठाया उन्होंने। तो बलि ने बोला अरे शांत रहो देखेंगे क्या कारण से आ रहा है, पहले बात तो सुन लेते हैं उससे, झगड़ा करना तो बाद में करेंगे। तो इंद्र जब आकर हाथ जोड़कर उनसे विनती किया कि हम आपके साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जुड़कर। अरे असुरों और देवताओं के साथ में प्रोजेक्ट कैसे चल सकता है, ऐसे प्रोजेक्ट हैं। लेकिन वो बोला कि विष्णु की इच्छा है इसलिए हम आपके साथ कोऑपरेशन करेंगे आपके साथ। देखिए आपको अगर भगवान विष्णु कृष्ण नहीं तो गुरु जी के ऊपर प्रेम हो, आप किसी के साथ भी काम कर सकते हो आप, ये आपके लिए टेस्ट है, परीक्षा है। अगर कोई बोलेगा प्रभु जी सबके साथ जमेगा इसके साथ नहीं जमेगा, अगर कोई बोलेगा ना इसका मतलब है उसका प्रेम गुरु के ऊपर कृष्ण के ऊपर उतना मजबूत नहीं है, अभी तक मजबूत नहीं बना, मजबूत बनाना पड़ेगा उनको, क्योंकि इस दुनिया में कोई नहीं है, सब जीवों के साथ हम साथ में आकर काम कर सकते हैं, जब तक वो भगवान की इच्छा हो गुरु की इच्छा हो उनका आदेश हो, उनके आदेश को पूर्ति करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये वैष्णव का स्टैंडर्ड है ये। तो इंद्र ने मान लिया, जाकर बात किया, आप लोग जानते हो समुद्र मंथन चालू होने के पहले भगवान ने सब देवताओं को बुलाकर बोला, हे देवताओं अगर आप लोगों को अमृत चाहिए तो मेरा बात मानना पड़ेगा आपको, मैं जो बोलूँगा करना चाहिए, 4 चीज़ आपको नहीं करना बोला उन्होंने, कामुक मत हो जाओ, विविध पदार्थ निकलेंगे समुद्र से लेकिन कामुक होकर उसके पीछे मत पड़ो, सब पकड़ अलग अलग बेंट स्वीकारने के लिए वो पहले बोले। दूसरा बोले कि अगर असुर लोग उन भेंटों को लेकर जा रहे हैं तो आप लोग उनसे लोभ मत करना, लोभित मत हो जाना, और नहीं क्रोधित मत हो जाना बोला, क्रुद्ध मत हो जाओ, अगर वो उठा कर जा रहे हैं हमको नहीं छोड़ रहे हैं लेने के लिए, ऐसे क्रोधित मत हो जाओ। अगर बार बार उनको दर्जनों भेंट दिए जाते हैं उनको असुरों को तो आप लोभी मत हो जाना, और अगर आपके प्रोजेक्ट करते समय कुछ अचानक
कुछ दुर्घटना हो, समस्या हो, कुछ विष विष पैदा हो जाए, तो आप पराजित को छोड़कर भाग मत जाना है? आप जारी रखना अपने सेवा को, ऐसे भगवान विष्णु बोले। और सब देवताओं ने मान लिया। और आगे आज जाकर आप देखेंगे, भेंट जब निकले, असुर लोग उठा उठा कर लेके जा रहे थे, लेकिन देवता लोग एक दूसरे को देख रहे थे, बोले कि चुपचाप रहने का विष्णु ने बोला हमको है, ऐसे रहे। इतने भेंट वो लोग लेने के बाद भी लोभी मत हुए, कामक मत हुए, मत वो सब हुआ नहीं उनके अंदर। अब जब हलाहल निकला, छोड़ कर नहीं गए रहे उधर, तो भगवान ने उनको सुरक्षा प्रदान की। तो इस तरह आप देखेंगे, देवता लोग अपने हृदय में, वो लोग शुद्ध भक्त नहीं है, मिश्रित भक्त हैं। देवताओं के हृदय में कुछ नियंत्रण करने का भी, शासन करने का भी इच्छा है, और भगवान की सेवा करने का भी इच्छा है, दोनों है। और शासन करने की इच्छा इस दुनिया में होता है, और सेवा करने की इच्छा वैकुंठ का वृत्ति है। वैकुंठ में सब लोग भगवान को ही राजा मानते हैं। लेकिन ये दोनों होने के कारण क्या होता है, ये सेवा करने की भाव होने के कारण वो विष्णु के प्रिय बनते हैं देवता लोग है। लेकिन ये नियंत्रण करने की भावना होने के कारण कभी कभी गड़बड़ कर देते हैं देवता लोग भी। तो इंद्र भी उस लीला में, समुद्र मंथन में सही ढंग से जुड़ा था वो भी। लेकिन आप लोग जानते हो ये गोवर्धन लीला में इंद्र ने क्या किया है? इसी तरह इधर भी कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, अलग अलग गड़बड़ की बात आप सुनते हैं इंद्र से, ये सब करने वाला एक ही इंद्र नहीं है, अलग अलग इंद्र है। हाँ, जैसे जनक जो नाम बोलते हैं ना हम, जनक ऐसा नहीं कि एक ही जनक महाराज थे। जनक जैसे आजकल भी सरनेम होता है ना, महाजन होता है, प्रभु होता है, पाटिल होता है, ऐसे जैसे पाटिल के परिवार में दर्जनों वंश के लोग, पीढ़ी बढ़ते रहेगा, लेकिन सब लोगों का नाम क्या होगा, पाटिल होगा उसमें है। लेकिन पाटिल के नाम के पहले और कुछ होगा है ना, ऐसे इस तरह इंद्र इंद्र हम बोलते हैं, लेकिन अलग अलग लीलाएं अलग अलग इंद्रों से हुआ है। लेकिन भागवत में साथ में पढ़ते समय एक वक्त आकर बोला कि प्रभु जी, इंद्र ने इतना गड़बड़ किया है, अगर हम लोग करेंगे तो क्या गलतियाँ, हम एक दो कर दिया तो हमको पकड़ते हैं, चिल्लाते हैं, ये बोलते हैं करना नहीं चाहिए, इंद्र ने इतना किया है, एक व्यक्ति ने सब कुछ नहीं किया है, अलग अलग इंद्रों ने किया है इसे। तो एक इंद्र की बात इधर चल रहा है, जिसने घोड़े की चोरी किया। तो अभी कोई पूछेगा कि प्रभु जी, अगर सीनियर डिवोटी तो कुछ भी कर सकता है क्या, सीनियर भक्त का मतलब क्या है, क्या महाप्रसाद स्टील कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं क्या, कुछ लोग पूछते हैं ऐसे। वो करते हैं तो कुछ नहीं बोलते, हम करते हैं तो बड़ा बात कर देते हैं, हम कुछ डांटते हैं, ऐसे पूछते हैं। लेकिन अनेक बार आप देखेंगे सीनियर भक्त लोग जो महाप्रसाद लेते हैं, वो जाकर किसी डोनर को दे देते हैं, लेकिन अगर कोई छोटा भक्त लेगा क्या करेगा, पूरा खुद ही खा लेगा पूरा, है ना। जैसे एक नौसिखिया भक्त मायापुर जाता है, उसको किसी कोई बड़ा राउंड केक दे देता है, मायापुर केक, थिक केक दे देता है, तो वो भक्त क्या करता है, आकर अपने लॉकर में रखेगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा खाएगा वो एक हफ्ते के लिए। लेकिन अगर कोई सीनियर भक्तों को कोई केक देगा, वो तो बुढ़ा 40-50 हो गया उसका है, खा नहीं पाएगा, सब भक्तों को रिटर्न कर देगा वो। अगर कोई बोलेगा हे, बड़ा सीनियर भक्त को बड़ा केक मिल गया, पीछे जाकर देखो क्या करता है वो, सब रिटर्न कर देगा वो, अगर खाएगा तो बस बाहर नहीं निकलेगा वो, है ना। तो इसलिए एक भक्त, एक नौसिखिया भक्त था, वो देखा कि हे महाराज जी बैठे हैं कमरे के अंदर, इतना बड़ा प्लेट गया, अरे 15 आइटम गया, माता जी इधर बना बना कर जा रही है, और उधर प्लेट चलता रह जा रहा है अंदर। मैंने बोला अरे मूर्ख, अंदर जाकर देखो महाराज क्या खाते हैं, एक आइटम थोड़ा लेते हैं, एक आइटम थोड़ा लेते हैं, 5 मिनट में पूरा कर देते हैं, और खाने वाले कौन सबको मालूम, बाकी शिष्य शिष्य लोग खाने के लिए जो क्यू में खड़े हैं उधर, वो लोग ख़त्म कर देते हैं उसको। इस तरह हमें लोभी नहीं होना चाहिए बड़े भक्तों को देख कर कि उनको बड़ा प्लेट दिया जा रहा है, को खा नहीं पाएंगे वो लोग। तो एक भक्त बोल रहे थे कि बड़ा पैराडॉक्स क्या है इस्कॉन में, हम जब नए नए डिवोटी ज्वाइन करते हैं, हमको महाप्रसाद नहीं मिलता है, इतने आइटम नहीं मिलते हैं, बोलते हैं खिचड़ी खाओ है, सिंपल आइटम खाओ, राइस दाल सब्जी खाओ, ऐसे बोलते हैं। जब हमारा 60-70 हो जाता है, महाराज हो जाते हैं, बड़ा बड़ा प्लेट मिलता है, लेकिन तब हम खा नहीं पाते हैं। जब खाने के लिए सक्षम है देते नहीं, जब खा नहीं पाते हैं तब देते हैं, ये हमारा पैराडॉक्स बोला उन्होंने। समझ रहे आपने, कितने लोगों ने समझा। मैंने बोला ये भगवान का ही आयोजन है, ताकि भगवत नाम लौट चलो। अगर तुम नाव से अवस्था में बड़ा बड़ा प्लेट खाओगे तो तुम रख नहीं पाओगे, निकल जाओगे। तो शुरू शुरू में प्रभुपाद जी गुलाब जामुन देते थे भक्तों को,
तीन चार साल होने के बाद पापा ने बोला कि अरे इतना नहीं खाना चाहिए, एक दो खाओ बस। भक्तों बोले पापा जी आपने बोला गुलाब जामुन इस्कॉन बुलेट है, आप एक बड़े जार में बनाकर रखते थे, हम लोग इतना खाते थे। पापा ने बोला तुमको किसने खाने के लिए बोला? पापा ने पूछा। अच्छा आपने ही बोला, अभी मैं ही बोल रहा हूँ खाओ मत। बस अभी बहुत हो गया, अभी तुम गंभीर भक्त बन गए। जैसे माता कभी कभी बच्चे को बोलती है बेटा स्कूल जाओ, बच्चा पूछेगा स्कूल जाकर क्या मिलेगा मुझे? तुम इंजीनियर बनोगे, इंजीनियर बनोगे तो क्या होगा मुझे? अरे नौकरी लग जाएगा तुमको। ठीक है नौकरी लगने से क्या होता है? अरे वेतन मिलेगा तुमको। वेतन मिलने से क्या फर्क पड़ता है, मुझे वेतन की ज़रूरत नहीं है, घर में सब कुछ है। नहीं, अभी सब कुछ हम दे रहे हैं लेकिन बाद में तुमको भी कमाना पड़ेगा। वेतन मिलेगा तो घर बांध सकते हो, अमेरिका जाओगे, लंदन जाओगे, शादी होगा, बच्चे होंगे, पैसा की ज़रूरत है। लेकिन बच्चा बोलते नहीं हमको कुछ नहीं जाना, हमको खेलना है दिन भर, क्रिकेट का बैट लेकर बार बार खेलते रहना। तो माता पिता उसने इसको कैसे स्कूल भेजने का, जिम्मेदारी समझाना बहुत कठिन बात है बच्चे के, है। तो माता क्या बोलती है, ठीक है बेटा आज स्कूल जाकर आओगे शाम को मैं कैडबरी चॉकलेट दूंगी तुमको। अच्छा ये अच्छी सही बात है, हम जाकर आएंगे स्कूल, है। तो स्कूल जाकर आता है, शाम को आते ही पूछता है माँ रेडी है क्या कैडबरी चॉकलेट की, जरा मिल जाता है उसको। तो इस दिन 2-3 दिन उसको कैडबरी चॉकलेट देकर भेज देती है स्कूल, और 4-5 दिन नहीं देती है। वापस उसको याद आता है, बोलता है अभी कैडबरी नहीं दोगे तो मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन बच्चा थोड़ा बड़े होने के बाद 3-4 कक्षा गुजरने के बाद क्या माता बोलती है, बेटा कैडबरी चॉकलेट अच्छा नहीं, खाना नहीं चाहिए तुमको, है। उसको बंद कर देती है उसको, क्योंकि तुम्हारा दांत दांत सब गिर जाएगा, है, कोको से ऐसे। तो इस तरह आप देखेंगे भक्ति मार्ग में भी और धार्मिक लोगों के लिए भी अनेक प्रलोभन रखे गए हैं। वो प्रलोभन क्यों दिए जाते हैं, क्योंकि तुम अगर धार्मिक बन गए भगवान को प्रार्थना करो जो चाहिए दे देंगे वो, है। हाँ दे देंगे, शुरुआत में दे देंगे लेकिन बाद में भगवान बोलेंगे अरे इनमें इस संसार में तुम उब मत जाओ, डूब मत जाओ, है। इस संसार में डूब जाओगे तुम भगवत धाम लौट नहीं पाओगे, है। इसलिए सांसारिक क्षणिक सुख में फंस मत जाओ, परम आनंद को पाओ, हाँ। इस तरह भगवान ही उपदेश देते हैं शास्त्रों में ऐसे। तो इंद्र जैसे लोग जो देवता लोग हैं, वो लोग देवता होने के बावजूद भी कभी कभी क्षणिक सुख की ओर उनके आकर्षण होता ही है कभी कभी, क्योंकि पुराना आदत है, हाँ। तो पुराना आदत कभी छूटता नहीं, उसके कारण गलती होता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भार साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन मेरे भक्त कभी कभी गलतियां करते हैं अपने पुराने आदतों के कारण, उनको माफ़ कर दो। उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी बताते हैं, जब पांडवों ने देखा कि उस दूसरी दिशा में उन्होंने देखा अनेक भीष्म द्रोण ऐसे लोग खड़े थे बड़े बड़े, तो अर्जुन ने देखा कि ये मेरे ही गुरुजन हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म तो मेरे पितामह हैं। इसलिए तब कृष्ण को उन्होंने पूछा कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदना इषु विप्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदना। हे कृष्णा ये लोग पूजनीय हैं, उनको हम शब्द से भी टोक नहीं सकते कभी भी उनको, ऐसे लोगों को धनुष बाण लेकर मार कैसे पाऊंगा मैं, ऐसे अर्जुन ने पूछा है। तब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हालांकि ये लोग अधर्म के पक्ष में थे फिर भी अर्जुन ने उनको आदर दिया, लेकिन अधर्म के पक्ष में क्यों थे? क्योंकि उनको वेतन मिलता था, किससे? धृतराष्ट्र से। उनको राज पदवी दिया गया, वेतन दिया गया, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, अच्छा रहन सहन की व्यवस्था, तो इसलिए लोगों ने वो पदवी छोड़कर पांडवों के वो पक्ष में नहीं आए करके प्रभुपाद जी बोलते हैं प्रवचन में, उनके प्रवचन में। और बोलते हैं कि वो इस तरह के कौरवों के संग में रहकर वो लोगों ने उनके पक्ष में लड़ाई किया, वो उनके गलती था, लेकिन अर्जुन ने याद किया कितना प्रेम दिया है मेरे पितामह ने, मेरे गुरु ने मुझे स्पेशल अपने विद्यार्थी माना, कौन? द्रोणाचार्य है। इतना प्रेम मुझे प्राप्त हो इन लोगों से, अभी अगर कुछ गलती भी करते हों फिर भी मैं मुझे उसको परवाह नहीं करना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। अभी चेत सुधराचारो बजते ऐसे प्रभुपाद जी कोट करते हैं उसके लिए, उनके उनके गलतियों को भूल कर उनके अच्छे गुणों के ऊपर ध्यान देकर अर्जुन ने तभी भी उनको आदर दिया, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह कभी कभी बड़ों
बड़े बड़े भक्तों में कुछ क्रोध इस तरह का कुछ लेश मात्र में भी दिखाई देता है, हम लोग उसको बड़ा नहीं करना चाहिए। कभी कभी उनका इंटेंशन अच्छा होता है, अगर कोई वरिष्ठ भक्त आपको डांटता हो उनका इंटेंशन अच्छा होता है, लेकिन इधर हम देखते हैं इंद्र का इंटेंशन भी गलत था, क्योंकि घोड़ा क्यों चोरी कर रहा था, वो सोचा कि मैंने 100 यज्ञ किया है और इसने 99 यज्ञ किया है पृथु महाराज ने, और ये करेगा ना मेरे बराबर हो जाएगा, वो सारे दुनिया के लोग मेरे पांव खींचेंगे, बोलेंगे कि इंद्र जी आप ऐसे मत सोचो कि आपका ओलंपिक्स का रिकॉर्ड है। देखिए उन दिनों में एक विव रिचार्ज करके उसने 865 या 870 स्कोर लिया था, अभी की अभी सबसे ज़्यादा कितना है स्कोर, कि उससे ऊपर कोई है पता नहीं, लेकिन जब उसने रिकॉर्ड सेट किया लोगों ने सोचा कि अभी इसके बराबर कोई नहीं है, है ना, वो सारे जगत का हीरो बन गया था ऐसे। इस तरह इंद्र ने सोचा कि शतक क्रतु नाम मुझे प्रदान किया गया है, शतक मतलब है सौ, क्रतु का मतलब है यज्ञ करने वाला, 100 यज्ञ करके इंद्र बना है, ऐसा यश जो है मेरे बारे में वो यश अपयश न हो जाए कि कोई 101 कर दिया 102 कर दिया कोई, हाँ तो मेरा बदनाम हो जाएगा, ये इंद्र का डर था। देखिए वरिष्ठ भक्तों को कनिष्ठ भक्तों को प्रोत्साहन देना चाहिए, अगर हमसे कनिष्ठ कोई बढ़िया कर रहा हो हमें खुश होना चाहिए, ईर्ष्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी का संस्था का वर्धन हो रहा है ना, और अच्छा प्रचार कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु के संस्था में एक गीत हम गाते हैं ना, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, सुना आपने ब्रह्मांड तारिते शक्ति, एक एक जन इस्कॉन में एक एक ब्रह्मांड को तार कर सकता है, उद्धार कर सकता है, ऐसे बताया गया है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ आप कुछ बड़े बात कर सकते हैं, बड़े चीज़ कर सकते हैं, आप जैसे अनेक बड़े बड़े भक्त हैं इस्कॉन में आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं बड़ा भक्त हूँ, आप बड़े हो सकते हैं, हमसे भी बड़े अनेक अनेक और बड़े बड़े भक्त हैं, और इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। इंद्र को क्या सोचना था, ठीक है मैंने शासन किया इंद्र लोग के कुछ समय के लिए, अभी ये दूसरा व्यक्ति 101 कर दिया है, अभी वो इंद्र बनेगा कुछ समय के लिए, जैसे ओलंपिक टॉर्च होता है ना उसको लेकर लोग भागते हैं, थोड़ी दूर भागने के बाद क्या करते हैं किसी और को दे देते हैं और वो उसको लेकर भागते हैं, ऐसे ही परंपरा है, ये गुरु अपने शिष्य को देते हैं और वो शिष्य उनके शिष्य को देते हैं, ऐसे परंपरा चलता है। लेकिन इंद्र की इच्छा था कि ये टॉर्च मैं पकड़ कर रखूँ मेरे पास, किसी को नहीं दूंगा मैं ही रखूँगा, ऐसे उनको इच्छा था ऐसे, इसलिए ईर्ष्या से प्रभावित होकर वो घोड़े को चोरी कर रहा है। लेकिन एक बात हम देखेंगे इंद्र के बारे में, उन्होंने गौतम ऋषि की धर्मपत्नी जो अहिल्या थी उनको दूषित करने के कारण, उनको दूषित करके वो एक बिल्ली बनकर भाग रहा था उधर से, लेकिन गौतम ऋषि वापस लौट आए, उनको उन्होंने बिल्ली को देखा, समझ लिया कि इंद्र है ये इन्होंने गलत काम करके भाग रहा है इधर से, तत्क्षण उन्होंने एक बड़ा शाप दिया कि तुम्हारे सारे शरीर में स्त्री का योनि का चिन्ह बन जाए तुम्हारे सारे शरीर में, तो अगर ज़रा सोच लीजिए कोई पुरुष चल रहा है उसके सब शरीर में स्त्री के योनि का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो कितना, तो उन्होंने बोला क्योंकि तुमने स्त्री के साथ संभोग करने के लिए इच्छा करके तुमने अवैध स्त्री संग किया है, इसके कारण उन्होंने बोला कि इस तरह का शाप दिया। इंद्र बहुत रो पड़ा, उनके पाँव में गिरकर माफ़ी मांगा, वो बोले कि माफ़ करने योग्य नहीं हो तुम, निकल जाओ इधर से, ऐसे उन्होंने क्रोध किया। तब बार 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 माफ़ी मांगने के बाद इंद्र को उन्होंने दूसरा दंड दिया, बोला कि मैं दंड को तो मैं वापस नहीं लौटा सकता हूँ लेकिन दूसरा दंड दूंगा, ये सब योनि के बदले आँख हो जाएंगे, क्योंकि आँख से ही इंसान गलती करता है, क्योंकि पहले आँखों से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु बुझाएत, ऐसे आँख से अगर कोई देखता है स्त्री को एक गलत दृष्टिकोण से नज़र, गलत नज़र बोलते हैं ना, बुरा नज़र बोलते हैं ना, कभी कभी लारी के पीछे लिखते हैं बुरा नज़र, काला काला कुछ लिखते हैं ना, तेरा काला क्या लिखते हैं, तेरा मुख काला बोलते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं ना, बुरे नज़र से हमारे नए नए गाड़ी को मत देखो, कुछ कुछ लोग घर में भी एक ऐसे राक्षस को डालते हैं, बुरा नज़र से घर को मत देखो कुछ समस्या हो जाएगा घर में, है ना, ऐसे
इस तरह हमें किसी भी पुरुष पुरुष स्त्री को नहीं तो स्त्री पुरुष को बुरा नज़र से नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो वैकुंठ में आप देखेंगे स्त्री पुरुष एकदम खूबसूरत हैं वैकुंठ में। हाँ, तो सबके सबके हर अंग देखिए सुंदर, सौंदर्य और लावण्य दो शब्द है। तो सौंदर्य का मतलब ओवरऑल सुंदरता, लावण्य का मतलब हर एक अंग अंग में, जैसे अंग कमल के पंखुड़ियों जैसे हैं और एकदम कोमल अंग हैं, इस तरह होते हैं। तो इस दुनिया में रहने वाले जीवों के शरीर के ऊपर वो आध्यात्मिक दुनिया में जो खूबसूरती है सुंदरता है उसका प्रतिबिंब इस दुनिया में दिखाई देता है। इस दुनिया में भी इसलिए लोगों में खूबसूरती दिखाई देता है लेकिन निकल जाता है धीरे धीरे, जब बुढ़ा होता है निकल जाता है वो सब, ज्ञान निकल जाता है, बाल निकल, सब निकल जाता है। लेकिन इंद्र को उन्होंने श्राप दिया क्योंकि आँखों से देख कर तुमने तुम कामुक हो गए, इसलिए तुम्हारे सारे शरीर में आँख आ जाए। तो इसलिए इंद्र का एक नाम है सहस्र लोचन, ऐसा एक नाम है हज़ारों। तो तब देवता देख रहे थे इसके पूरा आँखें आँखें इसके शरीर में, अगर ज़रा सोच लीजिए कोई सड़क में जाता है आँखों आँखें उसका पूरा शरीर, सब लोग देखेंगे ना उसको। लेकिन उसके सहस्र लोचन का शरीर लाभ, बहुत लाभ प्राप्त हो उसके द्वारा उनको जब गौरंग महाप्रभु अवतरित हुए, क्योंकि हज़ारों आँखों से वो देख पाया उनको। अगर एक आँख पलक झपकता है तो दूसरे आँख से देख सकता था उन महाप्रभु को ऐसे। लेकिन दंड तो मिला उनको, समझा ना आपने। इस तरह एक बार एक यज्ञ के लिए देवता लोगों ने एक विश्वरूप नाम के एक व्यक्ति को लगाया प्रीस्ट के रूप में, पुजारी के रूप में। लेकिन विश्वरूप के माता थी आसुरिक परिवार से, पिता थे देवों के परिवार से। इसके कारण आहुति डालते समय विश्वरूप ने एक आहुति देवताओं को एक आहुति असुरों को डालता था। वो जब इंद्र ने मंत्रों को सुना इतना कुपित हो गया, तत्क्षण उनके सर काट दिया विश्वरूप के। महापाप हो गया क्योंकि विश्वरूप भी महान ब्राह्मण था, महान व्यक्ति था, बहुत महान व्यक्ति था, उसके सर काटने के कारण ब्रह्म हत्या हो गया। इसके कारण इंद्र के पीछे पाप पाप की स्त्री, एकदम बूढ़ी स्त्री जैसे एकदम पतली पूरा हड्डी दिख रही थी उसका, उसको करके काशी आ रही थी और काशी से खून निकल रही थी मुंह से और उसके कपड़े में भी खून थी कभी कभी। अब कभी एकदम बूढ़ी स्त्री जिसका बाल सफ़ेद है, पूरा शरीर पतला है और वो उड़ती हुई आई, उसके नक भी थे, चिल्लाते ए इंद्र छोड़ूंगी नहीं, ऐसे चिल्लाती हुई पीछे आ रहे थे। इंद्र भाग रहा था पहले, बाद में समुद्र के अंदर गया उधर भी आए, उसके बाद गुफा के अंदर गया उधर भी, आसमान में उड़ा उधर भी आई। वो पाप उसके पीछे कर रही है। इस तरह हम लोग भी कुछ पाप करेंगे, पाप हमारे पीछे पड़ेगी। हम सोच सकते हैं कि अरे किसने देखा किसने नहीं देखा। आजकल स्त्री पुरुष लोग इतने इमोशनल होते जा रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ रहा है सबके, इसके कारण कभी कभी एक स्त्री अपने घर की समस्या को किसी पर पुरुष के पास जाकर मन खोलती है वो। इस तरह एक पुरुष अपने मन खोलता है किसी पर स्त्री के पास जाकर, इसके कारण वो लोगों का फॉल डाउन हो रहा है। उसके कारण है वो लोगों का फॉल डाउन होकर वो गलत काम में अवैध संग करते हैं, लेकिन सोचते हैं कि किसको पता किसी ने देखा नहीं। अरे भारत साक्षी देख रहे हैं, ऐसे पता है शास्त्र में, छठे स्कंद में आप पढ़ेंगे, और भारत साक्ष में श्रेष्ठतम साक्षी परमात्मा है, वो देख रहे हैं। तो मृत्यु के बाद उन लोगों को बहुत बड़ा गौर दंड है यमलोक में, जो पांचवें स्कंद में 28 नरकों के बारे में वर्णन है। इसलिए भगवान के भक्तों को डरना चाहिए कि जानबूझकर तो गलती करना नहीं चाहिए, अनजाने से भी गलती ना हो जाना चाहिए। इसलिए हम लोग हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा हमको, शास्त्र पढ़ते रहना, भक्तों के संग में रहना, दूषित स्थानों में मत जाना और अपने आप को पवित्र रखो, निर्मल रखना, ये सब बहुत आवश्यक है, चरित्रवान जीवन जीना। तो इस तरह चरित्रवान होकर जो भक्त जिएगा शुद्ध भक्त बन जाएगा, वो इंद्र से भी बढ़कर महान हो जाएगा जैसे युधिष्ठिर महाराज। तो भगवान के शुद्ध भक्त देवताओं से भी बढ़कर है। तो इस तरह इंद्र जो भी पाप किया गलती किया उसके दंड तो लगता ही है बाद में ना, उसने पीछे पड़ा भागा भागा भागा, इतना थकावट हो गया, रो रहा था वो, पता इंद्र को पता नहीं चला किधर जाऊँ कैसे बचाऊँ अपने आप को। अंत में उसका आइडिया मिला क्या क्या, एक मानसरोवर में जहाँ पहुँचा उधर एक कमल था, कमल के अंदर घुसकर जूम करके अंदर नीचे गया, कमल के दंड के एकदम नीचे लक्ष्मी जी का वसन होता है जो जगन माता है,
उनके पांव में जाकर गिर पड़ा, पांव पकड़ा, जोर से रोया, माता माता बचाओ बचाओ, ये पाप मेरे पीछे पड़ रही है। तो माता तो शांति से बैठकर विष्णु के ऊपर ध्यान लगा रही थी, लक्ष्मी। उसने बोला, बेटे तुमने बड़े गलती करके आए, ठीक है पाप नहीं पीछे पड़ेगी, तुम भी बैठो साथ में, तुम भी तपस्या करो अभी। तो 1000 साल तपस्या किया उसने विष्णु की ध्यान में, उसके बाद पाप निकला उसको। मतलब क्या है, आप बड़े हो छोटे हो दंड लगता ही है, लेकिन इसमें क्या बताया जा रहा है, हमारे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। अगर इंद्र जैसे तो अंतर्दान, विजिताश्व ने क्या किया, सोचा कि ये तो बड़ी देवता है, ये गलती कर रहा है, साथ साथ ये विष्णु के एक प्रतिनिधि भी है, अगर इससे क्या इसके हाथ से कुछ गलती हो गया तो हमारा कर्तव्य क्या पड़ता है, हम कैसे दंड दे सकते हैं, एक बच्चा एक बेटा पिताजी को कैसे दंड दे सकता है, ये तो देवताओं के राजा है। इस तरह उनका सेंटिमेंट था, ऐसे उन्होंने दंड नहीं दिया, उसको देखकर उनको नाम दिया अंतर्दान करके, उनको शक्ति प्रदान किया इंद्र ने ऐसे। तो आप देखेंगे कुछ कुछ लोग उनका हृदय कमज़ोर होता है, अर्जुन का भी हृदय कमज़ोर हुआ था, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तो तिष्ठ, परंतु भगवान ने बोला उसको। विजिताश्व बाद में राज्यकार कर नहीं पाया, वो बताया गया 3-4 श्लोक के बाद आप पढ़ेंगे, वो टैक्स वसूल करना लोगों से, और जो वसूल करते समय जो कोई टैक्स भरने के लिए सक्षम नहीं है, गरीब है, उसको जेल में डालना है, नहीं तो कुछ दंड देना, जैसे ट्रेन में बोलते हैं अगर कोई गलत काम करता है ट्रेन में, सिगरेट पीता है, तो उसको 1000 रुपया दंड। आजकल रेलवे स्टेशन में भी लिखा है कोई थूकता है तो 500 रुपया दंड, थूकना भी है तो डस्टबिन के अंदर थूको, इधर उधर मत थूको, ऐसे लिखते हैं। अगर कोई बोलता है मैं थूक दिया लेकिन पैसा नहीं हमको देने के लिए, तो उसको पुलिस लोग लाठी मारेंगे उसको, है ना। तो ये सब देना राजा का ये कर्तव्य होता है, प्रोटेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर, जनता की रक्षा करना, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब लॉ एंड ऑर्डर करना, अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसको दंड भी देना है, और जनता के लिए सब सुख सुविधा प्रदान करना, ये राजा का कर्तव्य होता है। वो कर नहीं पाया वो, क्योंकि उसका नरम हृदय था, तो इसलिए उसने क्या किया, अपने बेटों को सौंपा कर, राज्य कर सौंपा कर, वो जाकर बहुत यज्ञ वगैरह किया विष्णु को, और भगवधाम लौट गया वो विजिताश्व। तो राजा के पास दोनों गुण की ज़रूरत है, पोलाइट एंड फर्म, करेज एंड कंसिडरेट, उसके अंदर धैर्य, धैर्य बोलते हैं, करेज क्या बोलते हैं, साहस भी होना चाहिए, साथ साथ एक कृपा करुणा भी होना चाहिए, उसके अंदर दोनों होना चाहिए, दोनों का मिश्रण होता है। तो उसके बाद साहस होता है रजोगुण से आता है, और करुणा आता है सत्वगुण से, इसलिए राजा ऋषि बोलते हैं। दोनों के मिश्रण से ही हम इस दुनिया में कोई भी नेता राजा शासन कर सकते हैं। माता पिता भी बच्चे को बड़ा करना हो दोनों चाहिए, साहस भी होना चाहिए उसको करेक्ट करने के लिए, साथ साथ करुणा भी दिखाना चाहिए बच्चों के ऊपर, दोनों सही टाइम पर सही चीज़ दिखाना चाहिए। तो इस तरह इस श्लोक से हम लोगों ने दो चीज़ सीखा। शुरुआत में मैंने किस विषय के बारे में बोला, मैंने उसके बाद थोड़ा सब्जेक्ट चेंज किया मैंने बीच में, याद है आपको, पहला किस बात से मैंने शुरू किया, पहले मैं बोल रहा था कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, राजा लोग अपने बेटों को नहीं तो भाइयों को पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, पहला पॉइंट था। उसके बाद एक पॉइंट बोला, क्या बोला, हाँ नहीं वो लास्ट पॉइंट, वो अभी इंद्र के बारे में, हाँ क्या बोला मैंने, आदतों के बारे में बोला, पुराने आदतों के कारण कभी कभी हम लोग बार बार वो गलत आदतें वापस लौट आते हैं, तो हमें उनसे सतर्क करना चाहिए। लेकिन सत्वगुण अपनाने से रजोगुण तमोगुण धीरे धीरे निकल जाएगा, लेकिन सत्वगुण में भी खतरा है, इसलिए हम लोग विशुद्ध सत्व में जाना चाहिए। विशुद्ध सत्व में जाने के लिए क्या करना है, भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये करते 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 हम विशुद्ध सत्व पर पहुँच जाएँगे, हैं 24 कैरेट गोल्ड उस स्तर पर पहुँच जाएंगे। और नवविधा भक्ति, जैसे भगवान की पूजा अर्चना आराधना इत्यादि से मन धीरे धीरे काम क्रोध लोभ निकल जाएगा, शास्त्र के पठन का प्रचार, भक्तिमय जीवन में जुड़े रहना है इन चीज़ों से, क्योंकि इंद्र जैसे लोग देवता हैं, 33 कोटि देवताओं के अंदर भी कुछ दुर्गुण हैं,
लेकिन शुद्ध भक्ति के अंदर किसी भी तरह का दुर्गुण नहीं है। तो हम लोग इसलिए क्या बनना चाहिए, देवता बनना चाहिए, शुद्ध भक्त बनना चाहिए, शुद्ध भक्त की अपेक्षा करना चाहिए। तो शुद्ध भक्त जो बनेगा वो संसार से उठ जाएगा ऊपर। और संसार के बारे में भी मैंने बोला है ना, संसार में क्या है, छोड़ भी नहीं पाते हैं, पकड़ने से भी तकलीफ, छोड़ने से भी तकलीफ, दोनों ऐसे। इसलिए हमें संसार से ऊपर उठना चाहिए। तो अंत में बताया कि इंद्र जैसे थोड़े बड़े लोग भी गलतियाँ करते हैं, हमको अभी चाहे सुधराचार माफ़ कर देना चाहिए, वो लास्ट पॉइंट था वो। लेकिन बीच वाला पॉइंट मैं लंबा बोला क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत लागू है वो। अभी तक हम लोग संसार भी नहीं छूटा है, शुद्ध भक्त भी नहीं प्राप्त हुआ है, हम लोग बीच में हैं, बीच में हट गए, इसलिए तकलीफ होता है। लेकिन भक्ति मार्ग में तपस्या करते समय तकलीफ जो होगा उसको हमें पॉजिटिव रूप से लेना चाहिए। जैसे अगर आपका ये हैक्सा होता है ना, उससे कटिंग करते हैं, अगर वो तीक्ष्णता निकल गया, वो ब्लंट हो गया, वो तो क्या करते हैं, उसको शार्पनिंग करना होता है। जैसे पेंसिल लिखते समय लिख कर वो ब्लंट हो जाता है ना, तो शार्पनिंग कर, अगर कोई बोलेगा अरे शार्पनिंग करना करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, कोई बोलेगा तो कैसे लिखोगे आप, शार्पनिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है। इस तरह नाम लेने के लिए, नाम जप के लिए टाइम निकालना, मंदिर में आने के लिए टाइम निकालना, क्लास अटेंड करने के लिए टाइम निकालना, ये सब टाइम निकालने से जिस तरह एक पेंसिल शार्प होता है, अच्छी तरह लिखता है, इस तरह हमारे जीवन में हम लोग सुधर जाएंगे, पुराने आदतें छूट जाएंगे, अच्छे अच्छे आदतें आएंगे, और हम सत्वगुण से भी परे होकर विशुद्ध सत्व, जैसे एरोप्लेन, ये कार जाता है, एरोप्लेन जाता है, दोनों साथ में जाते हैं रनवे में, जाते हैं, उसके बाद एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, लेकिन कार ऐसे ही जाता रहता है। तो जानवर लोगों का गाड़ी कार जैसा है, और मनुष्य शरीर में हम लोग टेक ऑफ करके दिव्य बन सकते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन में अगर दिव्य नहीं बनेंगे तो पशु जैसे हम जीवन जीना नहीं चाहिए हमको, मनुष्य जीवन से फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन टू डिवाइन, उस स्तर पर हम जाएंगे तो हम भगवत धाम लौट जाएंगे। कृष्ण भगवान की, रंत्राक्ष श्रीमद्भागवतम की, गौर भक्त वृंदा की।